शाकाहारी मगरमच्छ का निधन, नहीं रहा मगरमच्छ बाबिया, मंदिर की करता था रखवाली। दुनिया में ज्यादातर जगहों पर मगरमच्छ पाए जाते हैं जो अपने मजबूत शिकारी जबड़ों के लिए फेमस हैं। अगर कोई गलती से उनके पास आए तो उसका अंत निश्चित है। वो अपने शक्तिशाली दांतों से किसी भी शिकार को फाड़ने की ताकत रखते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर बाबिया नाम के एक मगरमच्छ की खूब चर्चा हो रही है जिसका निधन हो गया है। आइए जानते हैं उससे जुड़ी दिलचस्प बातें। ये तो आप जानते ही होंगे कि मगरमच्छ मांसाहारी होते हैं और इनकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में होती है। पर क्या आप जानते हैं भारत में एक शाकाहारी मगरमच्छ भी था जो केरल के श्री अनंत पद्मनाथ स्वामी मंदिर की रखवाली करता था। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। हालांकि इस रहस्यमय शाकाहारी मगरमच्छ की अब मौत हो गई है। मंदिर की झील में इस मगरमच्छ का मृत शरीर पाया गया है। वहीं इसके बाद मंदिर प्रशासन ने इसकी सूचना पुलिस और पशुपालन विभाग को दी। इसके बाद मृत मगरमच्छ को झील से बाहर निकालकर शीशे के बक्से में रखा गया। अलग अलग राजनेताओं सहित कई लोगों ने सोमवार को उसके अंतिम दर्शन किए। दावा किया जाता है कि ये मगरमच्छ शाकाहारी था। मंदिर के अधिकारियों ने बताया मंदिर की झील में काफी सालों से रह रहे इस मगरमच्छ को बाबिया नाम से पुकारा जाता था। दरअसल मान्यता है कि सदियों पहले एक महात्मा श्री आनंद पद्मनाथ स्वामी मंदिर में तपस्या करते थे। इस दौरान भगवान कृष्ण बालक का रूप धारण कर आए और अपने शरारतों से महात्मा को तंग करने लगे। इससे गुस्साए तपस्वी ने उन्हें मंदिर परिसर में बने तालाब में धक्का दे दिया। लेकिन जब ऋषि को गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने तालाब से उस बच्चे को खोजा, लेकिन पानी में कोई नहीं मिला और एक गुफानुमा दरार दिखी। माना गया कि भगवान उसी गुफा से गायब हो गए थे। कुछ समय बाद उसी गुफा से निकलकर एक मगरमच्छ बाहर आने लगा। बता दें, मगरमच्छ बाबिया तालाब में रहने के बावजूद मछलियां या दूसरे जलीय जीवों को नहीं खाता था। दिन में दो बार वो भगवान के दर्शन करने के लिए निकलता था और भक्तों को बांटे जाने वाले चावल और गुड़ के प्रसादम को खाकर रहता था। बाबिया ने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो मंदिर में आने वाले श्रद्धालु की ओर से दिए गए फल इत्यादि शांति से खा लेता था। फिर पुजारी के इशारा करते ही तालाब में बनी गुफानुमा दरार में जाकर बैठ जाता था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही बन लिया हिंदी के साथ।